गाइस जो फिलहाल मैं हूँ लक्ष्मी सागर के पास। पता नहीं भाई किस भाई का लाइसेंस अभी मिला मुझे, मतलब पड़ा था रोड के ऊपर। और ये क्या है, आरसी व्हीकल भाई, आरसी और लाइसेंस दोनों भाई। कॉल करना पड़ेगा भाई, नंबर होगा इसमें अभी। मतलब मुझे डाउट है कि भाई उनका वॉलेट गिर गया होगा, लेकिन जिसको वॉलेट मिला वो मतलब आरसी और जो क्या है लाइसेंस वो दोनों फेंक दिया होगा रोड पे। ये देखो भाई 4:54 हो रहा है, लगभग 5 बजने ही वाला है। हाँ तो भाई ऐसा ही लग रहा है मुझे कि वॉलेट में जो मतलब पता नहीं क्या होगा सीन, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि भाई किसी का लाइसेंस और आरसी कैसे मतलब गिरा है एक साथ बना। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई ट्रैफिक पुलिस के पास, जो कि हैं इधर होने चाहिए भाई। हाँ है, उनको दे देते हैं भाई, उनको देंगे तो इनके पास पहुंच जाएगा शायद। सर यहीटा मतलब लक्ष्मी सागर में मिल रहा था आरसी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस जो फिलहाल हमारा फास्ट ऑर्डर डिलीवरी हो चुका है, मिल चुका है हमको 43 और कैश कलेक्ट करना था 346। तो 350 मिल चुका है भाई, पूरा नया नोट है भाई 50 रुपीज़ का। और ये रहा भाई हमारा बाइक। अभी फिलहाल चलते हैं जोन के अंदर, जोन के अंदर तो हूँ, देखते हैं भाई कहाँ से आता है सेकेंड ऑर्डर हमारा। चलो भाई, तो भाई जो फिलहाल आज का है मेरे पास सेकंड ऑर्डर, देखते हैं भाई कहाँ से आया है। 37 रुपीज का है। और भाई भाई जिन्नी ऑर्डर था ये रिना चंद्र भाई, फिर से जाना पड़ेगा कट्टी कृष्णा लगुन भाई, जहाँ से अभी डिलीवर करके आया फिर से वही सोसाइट के अंदर जाना पड़ेगा भाई। जिन्नी ऑर्डर है, कुछ पार्सल वगैरह लाना है शायद। चलते हैं भाई, कार में इतना दूर आ गया मैं, फिर से लगभग 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा भाई। कोई नहीं भाई चलो। तो गाइस जब फिलहाल पहुंच चुका हूं सोसाइटी के अंदर, मैं अभी ऑर्डर को डिलीवर किया था इधर ब्लॉक ए में भाई। ये तो इनका निकल चुका है, ये रहा भाई ब्लॉक बी। ब्लॉक बी से हमको पार्सल लेना है, गाड़ी को रखने का ही प्रॉब्लम है बस सोसाइटी के अंदर भाई, यही दिक्कत होता है। अरे भाई न्यूट्रल हो गया, बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए भाई इधर तो। अच्छा जो भी है दे दे इटा पात्र साथी कॉम्प्लेक्स एड एक्सिस बैंक अच्छी चलो भाई लंच बॉक्स पिकअप हो गया है। हाँ असली तो गाइस जो फिलहाल मैं हूँ लक्ष्मी सागर के पास। पता नहीं भाई किस भाई का लाइसेंस अभी मिला मुझे, मतलब पड़ा था रोड के ऊपर। और ये क्या है आरसी व्हीकल भाई, आरसी और लाइसेंस दोनों भाई। कॉल करना पड़ेगा भाई, नंबर होगा इसमें। तो गाइस अभी कॉल करने जा रहा था, अभी एक ऑर्डर आ चुका है 29 रुपीज़ का।
कंफर्म कर लेते हैं। यह है क्या पे साउंड वर्नर भाई, मैंगो होटल से है भाई। चलो तो गाइस फिलहाल प्रांगण होटल से जो ऑर्डर आया था पिकअप अभी हो चुका है भाई। 10-15 मिनट डिले हो चुका है, मतलब डिले करके दिए मुझे रेस्टोरेंट वालों ने। और भाई मेरा कैमरा में एक दिक्कत हो गया था, मतलब सेटिंग में भाई नारो हो गया था वाइड एंगल, तो उसको वाइड एंगल करा फिर से सेट सेट करके सेटिंग को। मैं देखता था तो मतलब अरे भाई रुक जा, इसको रुकना ही है भाई, लेकिन और मार रहा है भाई भाई। अभी इसको ऑर्डर अभी भाई इस ऑर्डर को डिलीवर करना है हमको मास्टर कैंटीन में, लालचंद ज्वेलर के पास में ही कहीं देना है। तो चलो भाई अभी फिलहाल वाइड एंगल हो चुका है फिर से, तो व्यू अच्छा आ रहा होगा। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो गाइस अभी फिलहाल इवनिंग का हो रहा है 5, फिलहाल देख सकते हो सनसेट हो चुका है। और फिलहाल गाइस एक बात मेरा दिमाग में आया कि भाई मुझे जो मिला अभी आरसी और लाइसेंस, अभी मतलब मुझे डाउट है कि भाई उनका वॉलेट गिर गया होगा, लेकिन जिसको वॉलेट मिला वो मतलब आरसी और जो क्या है लाइसेंस वो दोनों फेंक दिया होगा रोड पे। ये देखो भाई 4:54 हो रहा है, लगभग 5 बजने ही वाला है। हाँ तो भाई ऐसा ही लग रहा है मुझे कि वॉलेट में जो मतलब पता नहीं क्या होगा सीन, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि भाई किसी का लाइसेंस और आरसी कैसे मतलब गिरा है एक साथ दोनों। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई ट्रैफिक पुलिस के पास, जो कि है इधर होने चाहिए भाई। हाँ है, उनको दे देते हैं भाई, उनको देंगे तो इनके पास पहुँच जाएगा शायद। सर এইটা মতে লক্ষ্মী সাগর রু মিলল তো আরসি আর লাইসেন্স কার কোটে মিলল লক্ষ্মী সাগর অর্ডার নিয়ে আসছিল তো মুকইলি আপনাকে দিয়ে দেই বলে ও কইল আমার রইছে নাই অ্যাড্রেস আছে সে গঞ্জাম ভুবনেশ্বর নারবাই গাড়ি আছে ভুবনেশ্বর এর কন্টাক্ট নাম্বার না বা हाँ रोड साइड रे मैंने पड़ा दीटा तो गाइस दे दिया मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को, आई होप कि उनको मिल जाएगा भाई, क्योंकि भाई वो तो अभी बहुत ही टेंशन में होंगे क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका। मैं मतलब वैसे ही रुका था रोड के साइड, मतलब जहाँ पर मिला एक अंकल जी बोले कि तुम्हारा कुछ गिर गया है शायद, मैं भी नोटिस नहीं दिया, मैं सोचा ही किसका मतलब विजिटिंग कार्ड जैसा दिख रहा था, मतलब आरसी के नीचे ही था ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो मुझे कुछ समझा नहीं। उसके बाद मैं उठा के देखने लगा तो भाई ये भाई ये भाई पार्किंग करके रखा है इधर ट्रैफिक के पूरा बगल में। चलो भाई एक अच्छा काम कर दिया हम, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। अभी फिलहाल भूख तो नहीं लग रहा है, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि भाई एक अभी थोड़ा ऑर्डर डाउन है, इवनिंग के बाद भाई पूरा ऑर्डर। अरे भाई 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 मैं जहाँ पर खाता था वो वाले अंकल तो नहीं आए हैं आज, ऑपोजिट साइड में गए, उधर जाए खाना पड़ेगा, देखो खाली पड़ा है। तो गाइस हमारा प्लेट आ चुका है, ये देख लो पियाजी समोसा और बोरा, और भाई पूरा गर्मा गर्म है। चलो भाई खाते हैं। तो गाइस जो फिलहाल एक ऑर्डर आ चुका है वाव मोमो से, टाइमर है 5:36, जस्ट मतलब खाना कंप्लीट हुआ ही था कि ये ऑर्डर आ गया।
बुढ़ी लोक कहते आ कौन करवा चलो भाई चलते हैं पिकअप करने के लिए रेडी भी हो चुके हैं हमारा ऑर्डर 2532 चलो गाइस पिकअप कंप्लीट इसको देना है हमको लिंगराज रेलवे स्टेशन के पास भाई चलो जैकेट भी लाया हूँ भाई एक दो घंटा के बाद ठंड लगना शुरू हो जाएगा तो गाइस जो फिलहाल इधर पानी भरने के लिए रुका था बोतल में और फिलहाल एक आ चुका है ऑर्डर भाई 53 रुपीज़ का जिसमें हमको 10 रुपीज़ का फी मिला है और 8 रुपीज़ मिलेगा भाई रिटर्न अर्निंग बोनस ऑर्डर न्यू बेंगल स्वीट एयरपोर्ट रोड पे दिखा रहा है भाई रेडी भी हो गया भाई चलो तो गाइस बेंगल स्वीट से ऑर्डर पिकअप करके इधर पहुंच चुका हूँ मैं कॉस्मोपोलिस में ये रहा भाई हमारा रसगुल्ला इसको देना है एफ ब्लॉक में ये रहा एफ ब्लॉक लेफ्ट साइड में हमको जाना है भाई 6th फ्लोर पे अरे ये ऊपर चला गया और ये रहा गाइस रसगुल्ला चलो गाइस डिलीवरी कंप्लीट 53 मिल चुका है और 10 रुपीज़ का टिप भी मिल चुका है 10 मिनट के बाद 8 रुपीज़ मिलेगा भाई देखते हैं भाई 8 रुपीज़ मिलता है या फिर एक ऑर्डर आ जाता है अभी गाइस एक ऑर्डर आ चुका है लेकिन भाई पेमेंट शो नहीं कर रहा है देख सकते हो लोडिंग हो रहा है एक अच्छा आ गया भाई 31 का 5.62 किलोमीटर है भाई कॉन्ट्रीब्यूशन से आया भाई गाइस एक वाइन वाला ऑर्डर को मैं डिलीवर किया पोखरीपुर में भाई पोखरीपुर से मुझे इधर खींच लिया मतलब जागमरा ITR रोड पे जो है वाव मोमो उधर से भाई पिकअप करना है मुझे ऑर्डर पहुंच चुका हूँ अभी ITR रोड पे ये अभी आ जाएगा राइट साइड में वाव मोमो ये भाई देखो वाव मोमो आ गया राइडर लोग तो बैठे हैं इधर तो गाइस ये फिर टाइम रहा है 11:10 फिलहाल एक ऑर्डर लेके आया था नेरुला से पहुंच चुका हूँ कस्टमर के लोकेशन अच्छा ऑर्डर था अपना ना थैंक यू चलो गाइस डिलीवरी कंप्लीट और इसमें हमको मिल चुका है 35 तो गाइस जो फिलहाल टाइम देख सकते हो रहा है 11:17 फिलहाल भाई ड्यूटी हमारा हो चुका है ऑफ देख सकते हो भाई और भाई हमारा अर्निंग देख लो 566 हुआ है और इंसेंटिव मिलेगा 190 मिलेगा 200 मान के चलो तो हो गया हमारा 756 नहीं 190 मान के चलो 756 और भाई पेट्रोल के लिए निकाल लो 200 तो बचता है हमारा 550 रुपीज़
तो ठीक है गाइस, फिलहाल वीडियो को इतने एंड करता हूँ मैं। आज भी मैं स्लॉट बुक नहीं किया था, मतलब अभी भी खाली है, लेकिन भाई ड्यूटी करने का मन नहीं है, उसके लिए जा रहा हूँ घर। कल हो सकेगा तो ड्यूटी करेंगे रात को 1 बजे तक। मतलब हमारे ड्यूटी में भाई कोई भी मौसम मतलब हमारा साथ नहीं देता है, मतलब ठंड के मौसम भाई रात में भाई बहुत ज़्यादा ठंड होता है, बारिश में तो बारिश और धूप में भाई कड़कती धूप। तो अभी मतलब आज पता नहीं भाई ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके गाइस, अरे भाई बड़ा गाड़ी आ गया। तो ठीक है, फिलहाल वीडियो को ही पेंट करता हूँ। अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, चलो इज राइट, सेफ, चलो बाय।